हाय गाइस, आज हम बात करते हैं टाटा टियागो के एसी फंक्शनैलिटीज की। अगर आप देख सकते हैं कि ये है एसी का पैनल और ये आपका एसी लिखा है। इस बटन से जहां एसी लिखा है कंप्रेसर ऑन या ऑफ होता है। तो अगर मैं इसको एक बार प्रेस कर दूं तो आप ये देख सकते हैं एसी ऑफ हो गया। अगर मैं इसको दोबारा प्रेस कर दूं तो एसी ऑन हो जाएगा। तो जो भी आप यहां पे बटन से करते हैं वो आपका यहां पे स्क्रीन में भी डिस्प्ले होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो नॉब है इसको आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हो। फैन की स्पीड भी चेंज होगी। मिनिमम स्पीड ये है 1, अगर इसको मैं मैक्सिमम स्पीड पे कर दूं तो वो है 7। अब बात करते हैं इन बटन्स की। इन सारे बटन्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज है। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर आपको फॉग हो रहा हो, शीशे पे फॉग जम रहा हो, तो आप ये वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको रियर व्यू में पीछे वाले शीशे में मिस्ट या फॉग जम रहा है तो आप ये वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। ये बटन जिसमें सी लिखा है या कार के शेप में है, इस बटन से आप अलाउ करते हैं कि बाहर की हवा अंदर आए या ना आए। तो अगर आपको अंदर कूलिंग चाहिए तो आप इसको ऑन रखिए। जब आप ऑन रखेंगे तो इसमें लाइट ऑन रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि बाहर की हवा अंदर आए तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। जैसे कि मैंने अभी इसे ऑफ कर दिया, अब बाहर की हवा अंदर आएगी। तो कभी आप बहुत देर से गाड़ी में हैं या आप अनइजी फील कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इसको ऑन कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ अंदर ही हवा सर्कुलेट करते रहे। ये बटन पोस्चर के लिए कि किस पोस्चर में आप हवा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके चेहरे पे लगे या पैरों पे लगे, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल क्या है, जो कि टॉप मॉडल में आपको मिलता है टाटा टियागो एग्जेड प्लस में। तो अगर आप यहां देखें कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन है ये ऑटो, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो जाएगा। एक बार इसको प्रेस करते हैं। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ स्क्रीन में भी आपको ऑटो ऑन दिखेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल क्या करता है कि आपका टेम्परेचर सेट कर देता है और गाड़ी का टेम्परेचर फिर उसी सेट टेम्परेचर पे मेंटेन करता है। टेम्परेचर आप यहाँ से रेगुलेट भी कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल उतना टेम्परेचर गाड़ी में मेंटेन रखेगा। फैन की स्पीड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा। अगर आपने 22.5 जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो इसके लिए फैन की क्या स्पीड होनी चाहिए ये सिस्टम अपने आप ही कैलकुलेट करेगा। ये ऑफ बटन है जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अगर मैं इसको बंद करूं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ हो जाएगा एंड द सिस्टम विल ऑफ। अगर मैं इसको दोबारा ऑन करूं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो गया और फैन की स्पीड उसने अपने आप चूज कर ली। तो दिस आर द बेसिक फंक्शंस। आपको डिस्प्ले में भी अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एसी के सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि अभी किस पोस्चर में सेलेक्ट है, एसी ऑन है या नहीं ऑन है, इकोनॉमी ऑन है या ऑफ है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन है या ऑफ है, किस पोस्चर में गाड़ी की हवा भी अंदर आने के लिए आपने अलाउ किया है या नहीं किया है, टेम्परेचर कितना है, फैन स्पीड कितनी है। अगर मैं फैन स्पीड बढ़ाऊंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं फैन स्पीड बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे फैन स्पीड अभी मैक्सिमम 7 पे कर दिए तो यहाँ पे 7 पे डिस्प्ले कर रहा है। होप दिस वीडियो हेल्प्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, खास करके उनके लिए जिनके लिए नई गाड़ी पहली बार खरीदी है। एसी फंक्शनैलिटी समझने में उनको काफी आसानी हुई होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।